हरियाणा में कोरोना के अनलॉक टू में गुरुवार को रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड से 55 दिनों के बाद बस के चक्के एक बार फिर से चल पड़े। इस दौरान कई बसों की बैटरीज डिस्चार्ज होने की वजह से उन्हें धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा। इस दौरान रोडवेज परिसर में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने साथ ही थर्मल स्कैनिंग करके ही प्रवेश दिया गया। यहां से बसों को आते जाते समय सैनिटाइज करके ही रवाना किया गया। रोडवेज परिसर में बसों के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर भीलवाड़ा अगार के प्रमुख मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक से बात की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कोरोना महामारी के चलते अनलॉक टू में आज पब्लिक व्हीकल भी चालू हो चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम आज भीलवाड़ा रोडवेज स्टैंड डिपो पे हैं और वहाँ आज जो संचालन हुआ है बसों का वो 50% की जगह जो पहले लॉकडाउन में जो गाइडलाइन आई थी वो 50% की थी, इस बार 100% यात्रियों के साथ गाड़ियों का संचालन हुआ है। हमारे साथ डिपो मैनेजर अनिल जी पारिक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार की गाइडलाइन में क्या विशेष है और किस तरह गाड़ियों का संचालन है। तो अनिल जी, इस बार अपने गाड़ियों का संचालन किस हिसाब से कर रहे हैं? गाड़ियों का संचालन कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करके फिर ही गाड़ी बसों से निकाली जा रही है, सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। यहाँ पे बस स्टैंड पे थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो ऑक्सोमीटर वगैरह देके कर्मचारियों को बिठा के और जो भी पैसेंजर अंदर आ रहा है उसकी हम पूरी जाँच करके नो मास्क नो एंट्री नो मूवमेंट, उसके बाद में जो भी गाड़ी हमारी लगी है बुकिंग क्लर्क्स को सावधान कर दिया है भाई इनके सोशल डिस्टेंस बना के इनको टिकट दिए जाए। 100% कैपेसिटी के साथ गाड़ियां चलेंगी। आज हमने 37 गाड़ियां एक साथ हमने चलाई हैं जिसमें जयपुर उदयपुर चित्तौड़ कोटा देवली केकड़ी रूट की हमारी प्रमुख जो गाड़ियाँ हैं अच्छी इनकम देने वो हमने गाड़ियाँ निकाली हैं। कोरोना महामारी में आप यात्रियों को बचाव के लिए और क्या क्या स्पेशल या क्या विशेष तरीके अपना रहे हैं कि यात्री टिकट लेने से लेकर अपने घर तक पहुंचने पर सुरक्षित रहे? हमने जैसे ही यात्री बस स्टैंड पे एंट्रेंस होता है उसकी हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं, सैनिटाइज करते हैं यात्री को और ऑक्सोमीटर से हम उसकी ऑक्सीजन का लेवल भी नापते हैं। अगर वो उसका ठीक है तो बस में उसको एंट्री है विद मास्क, नहीं तो अगर जैसे वो ख़राब है तो हमने कर्मचारियों को निर्देश दे रखे हैं कि आप 108 नंबर पे फ़ोन करके और जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है इसका हो रहा है तो उसको वापस हम उसमें भेज देते हैं, नहीं बाकी बस में रवाना। यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मास्क नहीं लगाने पर चालान कट रहे हैं, टिकट लेने पर भी उचित दूरी पर खड़े रखकर टिकट दिए जा रहे हैं। गाड़ी को जब पूरी यात्रियों से खाली हो जाती है, यात्रियों के लिए वापस लगती है गाड़ी, तो पूरी तरह से उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। रोडवेज का पूरा यह है कि उनके जो यात्री यात्रा कर रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहें और सबकी सुरक्षा की कामना भी रोडवेज कर रही है। कोरोना महामारी संक्रमण से बचाने के लिए रोडवेज अपने पूरे प्रयास कर रही है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करा रही है। कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ योगेश शर्मा, A1 TV भीलवाड़ा।